गाइस शार्प के साथ ही देखो क्या कर रहा है। एक मिनट देख दी हिमालय के बैजेस मेरे पास। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। यार आज की वीडियो की शुरुआत डायरेक्टली हो रही है रांगड़ी से, क्योंकि घर से बहुत काम थे आज। काम में टेंशन में मैं यहाँ पहुँच गया। बाकी आज आपको पता है काम क्या करवाने वाले, बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं आज करवाने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ना थंडरबर्ड का टैंक है, ठीक है। तो इसको पेंट मारना है, पेंट करना है इसको, और पेंट बिल्कुल ही डिफरेंट हम करने वाले डबल शेड में। तो एक बार यहाँ पे देते हैं पेंट, दिखा जब हो जाएगा ना फिर दिखाता हूँ आपको हम क्या करने वाले हैं। मतलब हाफ अलग होगा हाफ अलग होने वाला है, तो बस इसी काम के लिए हम लोग यहाँ आ गए थे। बाकी यहाँ पे टिंकू की जिप्सी भी है, लली की भी है, मेरी भी है, मतलब ये भी कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो अभी इसको छोड़ते हैं यहाँ पे और एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की ब्यूटीफुल सी डे की और ब्यूटीफुल सी वीडियो करते शुरुआत। लेट्स गो। क्या रबिंग रबिंग ओहो, रबिंग के लिए छोड़ दिया इसने गाड़ी। यार वैसे यार ऐसी बात देखो ना, ये इसकी गाड़ी और मेरी ज़्यादा शाइन नहीं मार रही है। रबिंग करेंगे इसको, भी रबिंग करेंगे इसके बाद। यार अभी ना पेंटर साहब को हमने टैंकी दे दी, और ये कौन सा कलर है जो मैंने आपको भेजा? डुकाटी का इनको पता है, मैंने एक्चुअली इनको व्हाट्सएप किया हुआ था, तो कहते डुकाटी का कलर है। तो बस इसको हम लोग जैसे रॉयल इनफील्ड लिखा है ना, हाफ से अलग हाफ अलग मारने वाले हैं, डुकाटी वाला पेंट मारेंगे हम इसको, बिल्कुल डिफरेंस ही लगेगी उसके बाद। तो गाइज टैंक मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, बाकी अपनी जो डेविल है इसका काम होने वाला है दो दिन के बाद स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे एक ऑल्टो है ना, ये बहुत पहले से खड़ी हुई, तो पहले इसका काम होगा, फिर टिंकू की जिप्सी में रबिंग होगी, उसके बाद अपनी डेविल में काम होने वाला है। वैसे भी मेरे को जल्दी किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि बर्फ़ पड़ जाएगी, ये गाड़ी किसी काम नहीं आने वाली है, जिप्सी ही काम आएगी। तो बेटर है जितना आराम से काम होगा उतना अच्छा काम होगा। तो इसको मिलता हूँ मैं थोड़े दिनों के बाद। तो यार सबसे पहले मैं जा रहा हूँ बहांग तक, थोड़ा सा काम है वहाँ पे, साथ में लाइट जो लाई हुई थी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना कि बम्पर में होल करने पड़ेंगे, उसके लिए वो करने के लिए भी वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और बाकी सामने दिख रहा है आपको स्नो कैप माउंटेन, ये सामने वाला, मतलब यहाँ पे हमेशा ही बर्फ़ रहती है। और यार मैं तो वेट कर रहा हूँ कब बर्फ़ पड़ेगी और कब हम लोग फन स्टार्ट करेंगे। वैसे वेदर फोरकास्ट में दिखाया हुआ था, एक तो फ्राइडे दिखाया था, मतलब पिछले कल पड़ी नहीं, और संडे कल का दिखाया हुआ है वेदर फोरकास्ट में कि स्नोफॉल होगी, बट पता नहीं अब पड़े ना पड़े, वो आपको पता है वेदर, हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का, मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यार वेदर फोरकास्ट को ना, नेट में कुछ और दिखाता है और ऐसे पड़े ना पड़े वो अलग बात हो जाती है। तो अभी बांग चलते हैं, वहाँ जाके लाइट वगैरह फिट करते हैं, और मैंने रेट दी हिमालय के बैजेस मेरे पास। क्या बंदा है भाई, ना इंडिकेटर ना कुछ, एकदम ही ब्रेक मार दी। और आपको पता है कि मेरे पास ना रेड डी हिमालय के बैजेस वगैरह पड़े हुए थे यहाँ पे भी, ये ऊपर भी मैंने लगा दिया है। तो पहले ना मैं रेड डी हिमालय में ऑफिशियल में होता था, उस टाइम के मेरे पास ये पड़े हुए, अब तो रेड डी हिमालय होती नहीं, बंद हो गई है, तो उस टाइम के मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने कहा लगा देते हैं। और भी थे मेरे पास यार, तीन चार मिल नहीं रहे थे मेरे को, अभी दो ही मिले मेरे को। तो यार अभी ना मैं बांग पहुंच चुका हूँ, एक्चुअली गाड़ी का काम था दो तीन करवाने को, एक तो जो स्नॉर्कल है इसको कनेक्ट करने के लिए छोटा सा जुगाड़ देखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि KNN वालों से भी बात की हुई थी, वो भी यही कहते कि खुद आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसका ना। साथ में साइलेंसर में मैंने बोला थोड़ी सी लीकेज लग रही थी मेरे को कहीं से, क्योंकि प्रॉपर वो साउंड नहीं आ रहा था फिल्टर का, पीछे लीकेज है, दिखाऊँ आपको। यहाँ पे ना ये देखो, ये यहाँ से हवा लीक हो रही है, पूरा फट चुका है, तो यहाँ पे वेल्डिंग करनी पड़ेगी। छोटी सी लीकेज भी हो ना अगर, तो प्रॉपर साउंड नहीं आता, जो क्योंकि हवा जब जा रही है वहाँ से तो एक साइड से लीक हो रही है ना, तो प्रॉपर साउंड नहीं आ रहा, तो ये वेल्डिंग करनी है। लाइट आपको दिखाई थी मैंने, लाइट भी बम्पर में लगानी है, फिल्टर कनेक्ट करना है, ये वाली लाइट ना बम्पर में लगानी है। तो बम्पर में अभी वेल्डिंग करके ना, क्योंकि हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, वेल्डिंग करके होल्ड करके इसको फिट कर देंगे, कनेक्शन देखते हैं हनी के वहाँ जाके दे देंगे। और उससे पहले सबसे पहले काम हमको इसको कनेक्ट करने का करना है। तो गाइस यहाँ पे ना करण भी आ गया था, करण क्या हाल चाल है? लो भाई जी क्या हाल है? बाकी ना ऊपर तक जाना था थोड़ा, हम देखो कैसे बैठ रहे हैं, जिप्सी में ना तरपाल खोलना मुश्किल काम है ना, सर्दियों में ऐसे चलना पड़ेगा। और सीट कहाँ पहुँचाइए, लेट के सो के चलाता है गाड़ी। चलते यार अभी ना थोड़ा सा सामान लेके आना है, ऊपर से वो लेके आते हैं। तो यार जो जुगाड़ हमको चाहिए था ना करण के वहाँ सारा जुगाड़ मिल गया, एक तो ये पाइप मिल गई 3 इंच वाली, और ऊपर से एक ये पाइप है 4 इंच वाली ना, मतलब काम हो जाएगा हमारा, इसके पास सारा जुगाड़ मिल जाता है, इसलिए मैंने इसको फोन किया, मैं कुछ जुगाड़ देते यार। और ऊपर से ना करण का घर साथ में भी था, तो यहीं पर मिल गया सब कुछ। तो गाइस गाड़ी का काम तो हो नहीं पाया, क्योंकि जो जुगाड़ करना पड़ेगा ना उसके लिए टाइम चाहिए, और ये कह रहे हॉट गन चाहिए उसके लिए, तो कल आना पड़ेगा। लेकिन जो साइलेंसर बेल्ट करना है ना उसके लिए मैं अभी जाने वाला हूँ नीचे वशी चौक तक, वहाँ पे जाके करते हैं, क्योंकि साउंड देखते हैं उससे मेरे को लग तो रहा है कि परफेक्ट आएगा, बाकी निकलते हैं। और यहाँ पे ये लोग भी आ गए थे करण वगैरह ना, इनको भी काम था, इन्होंने भी करा दिया, और मैं भी निकल रहा हूँ साथ में। यार आजकल ना लोग रोहतांग की तरफ सिसु की तरफ बहुत जाते हैं, तो शाम को ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर आप लोग मतलब आते हो मनाली और ट्रैफिक नहीं चाहिए ना, तो अर्ली मॉर्निंग जाके जल्दी से वापस आ जाओ, तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। शाम को अगर आप वही 5 बजे के बाद आ रहे हो ना, 4-5 बजे के बाद, तो आपको ट्रैफिक मिलना फॉर श्योर है। यहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ भी जा रही है, मेरे पीछे भी लाइन आ रही है, ठीक है। तो मार्केट के पास ना ट्रैफिक लगता है, डेली लगता है, तो जितना जल्दी यहाँ से निकले उतनी जल्दी ट्रैफिक अवॉइड हो सकता है। तो यार यहाँ पे ना डेली शाम को 4 बजे के बाद बैलून उड़ता है, और ट्रैफिक देखो
सारी गाड़ियां यहाँ पे रुक जाती है और यहाँ पे भी ट्रैफिक लगता है और नहीं 4 बजे के बाद ही उड़ता है यहाँ पे। तो गाइज अभी हडिम्बा मोटर फिर से आ गया था मैं, मेरे को ना छोटी सी चीज़ चेक करवानी थी, तो अभी गाड़ी हम लोगों ने डेक पे लगा दी है क्योंकि नीचे से चेक करनी है ना, तो गाड़ी थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस छोटी सी चीज़ चेक के लिए करवानी थी मेरे को ना, मैं एक बार चेक करना ज़रा, तो ये कहते डेक पे लगाओ यहाँ चेक कर लेते हैं। बताओ पता चला कि मैं सीधे नीचे जंप, ओके डन बोला। मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक्चुअली में क्या हुआ था। उस दिन शाफ्ट हम लोगों ने फिट की थी ना, वो थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट हो गई थी, उस वजह से ना मेरे को हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही थी स्टेयरिंग में ना। प्रॉब्लम सीरियस नहीं थी, मतलब थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो रही थी, तो मेरे को लग ही रहा था मैंने कहीं शाफ्ट की अलाइनमेंट आउट ना, और वही थी। तो अभी शाफ्ट फिर से निकाल के प्रॉपर लगा रहे हैं, और डेक में हमने इसीलिए चढ़ाई थी क्योंकि ईजी हो जाता काम करना। तो गाइज अभी ना 4x4 की जो शाफ्ट होती है ना आगे वाली, वो हमने खोल दिया ना, इसका क्रॉस गया है, शाफ्ट गई। एक्चुअली धर्मशाला से उस दिन गलत शाफ्ट ले आया था, मेरे को ये वाली शाफ्ट चाहिए थी, हम पीछे वाली ले आए थे, तो अभी शाफ्ट हमने खोल दिए। 4x2 में गाड़ी चलेगी, मतलब 4x4 की शाफ्ट निकाल दी हमने, तो 4x2 में फिर भी गाड़ी चलती है। देखते ट्राई मारते और गाड़ी को ना वहाँ लगाने वाले हम लोग। गाइस शाफ्ट के साथ ही तू क्या कर रहा है, क्या बाबा बना हुए तू, डिट्टो कॉपी लग रहा है। गाइज प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया, पहले मैं वेट कर रहा था किसी का, आपको मैंने बोला था ना कोई आने वाला है, तो कल की वीडियो में पता चलेगा आपको कौन आने वाला था, वीडियो में क्या होने वाला था, और बहुत ही ज्यादा बड़ा सरप्राइज और बॉम्ब फूटने वाला था। एक मिनट यार, मैंने एक मिनट इसलिए बोला क्योंकि जो ऊपर वाली लाइटें थी ना वो ऑन थी और सामने वाला अंधा हो जाता है इन लाइटों से, इसलिए मैंने बंद कर दी। तो कल की वीडियो में वो बॉम्ब फूटने वाला है, और आज की वीडियो काफ़ी छोटी है, लेट स्टार्ट मैंने इसलिए की थी वीडियो क्योंकि मैंने आपको बताया वही जो होने वाला था उसके लिए, तो तभी मैंने लेट वीडियो स्टार्ट की थी, अदरवाइज तो वीडियो में बहुत सुबह सुबह स्टार्ट कर देता। तो अभी मैं घर निकल गया हूँ, कल के प्लान्स, कल की वीडियो ज़रूर देखना। तो अभी मैं यहाँ से घर निकल गया हूँ, तो अभी चलते हैं और सबसे पहले आपको ऑफिस जाके मिलता हूँ, और आगे वाला पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है भाई। तो गाइज अभी ऑफिस पहुंच गया हूँ मैं, ठीक है। बाकी आपको पता है मैंने जिप्सी के साथ क्या किया, उसकी शाफ्ट जो हम लोग धर्मशाला से लाए थे ना वो थी, मतलब आगे वाली शाफ्ट चाहिए थी मेरे को जो फ्रंट में लगती है 4x4 वाली, लेकिन वो उन्होंने ना उस दिन टीटू भाई ने 2 नंबर बोल दिया, और 2 नंबर मैं गलती से पीछे वाली ले आया, मैं नहीं लाया, मतलब उन्होंने वहाँ से दी, तो वो गलती हो गई थी। जो पीछे वाली शाफ्ट मेरी थी ना वो बिल्कुल ठीक थी, तो अभी के क्या सीन्स है, वो शाफ्ट थोड़ी सी आवाज़ कर रही थी और वाइब्रेशन कर रही थी, इसलिए मैंने वो निकाल के रख दिया। तो अभी आपकी भाई की गाड़ी 4x2 में है, 4x4 मतलब गियर है लेकिन शाफ्ट नहीं है, तो अगर मैं 4x4 लगाता हूँ ना तो 4x4 नहीं लगने वाला है, गाड़ी अपनी रहेगी 4x2 में। लेकिन भाई साउंड इतना स्मूथ हो गया, जो 4x4 वाला नॉब है ना गियर का वो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं आ रही है। तो अभी देखता हूँ मैं कल या परसों तक मंगा लूँगा शाफ्ट ना धर्मशाला से, बाकी तब तक के लिए अपनी गाड़ी रहने वाली है 4x2, बस बर्फ़ ना पड़े, अगर बर्फ़ पड़ गई ना भाई फिर प्रॉब्लम आ सकती है। और कल के सीन्स ये है, मैं आपको बता दे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अपनी बीस्ट में हम नहीं जाने वाले हैं, कल हम जाएंगे अनुने भाई की गाड़ी में, और कहाँ जाएंगे क्या होने वाला है वो तो भाई मैं बोलूँगा, कल की वीडियो ज़रूर देखना पता चल जाएगा। तो अभी यहां से निकलते हैं घर को, आज की वीडियो उतनी बड़ी नहीं बनेगी, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था, लेट स्टार्ट की थी वीडियो, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना प्लीज़, ठीक है। कल के बाद अच्छा कॉन्टेंट देने की मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ। बाकी आज की इस वीडियो को ना हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल के एक फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। Minimum stress, that's your best, classic dress. Minimum gangster, minimum.